सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन। हे दोस्तों, मैं ही तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। दोस्तों, iOS डिवाइस का iTunes या फिर iCloud पे बैकअप बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसे अगेन रीस्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस मुश्किल घड़ी में हम लोग यूज कर सकते हैं डॉक्टर फोन का। इस वीडियो को स्पॉन्सर भी डॉक्टर फोन ने ही किया है। डॉक्टर फोन की हेल्प से आप जो है अपने फोन का बैकअप बनाने के अलावा डेटा को रिकवर कर सकते हैं, एक फोन से दूसरे फोन में डेटा कॉपी कर सकते हैं, साथ ही पासवर्ड वगैरह रिमूव करना हो, रूट करना हो, काफी सारी चीजें जो है आप डॉक्टर फोन से कर सकते हैं। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके डाउनलोड कीजिए। देखते हैं कि क्या क्या है इसमें खास। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको जो है डॉक्टर फोन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके आप यहां पे आ सकते हैं और यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज और मैक दोनों प्लेटफॉर्म के लिए ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है। ये है डॉक्टर फोन। डॉक्टर फोन में आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि रिकवर है, ट्रांसफर है, रिपेयर है, इरेज है, अनलॉक है, पासवर्ड वगैरह को रिमूव करना हो, वैसे ही बैकअप एंड रीस्टोर है, स्विच है अगर एक फोन के डेटा को दूसरे फोन में कॉपी करना हो। लेकिन आज हम लोग यूज करने वाले हैं स्पेशली बैकअप एंड रीस्टोर फीचर। तो चलिए चलते हैं बैकअप एंड रीस्टोर में। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, अपने फोन को यूएसबी के हेल्प से कनेक्ट करना है। अगर किसी तरह का पॉपअप आता है तो आप अलाउ कर दीजिए, ट्रस्ट दिस कंप्यूटर कर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास मेनली दो ऑप्शन है बैकअप एंड रीस्टोर का। अगर आप अपने फ़ोन का बैकअप बनाना चाहते हैं तो सिंपली बैकअप के ऊपर क्लिक कीजिए और सबसे पहले तो आपको जो है फाइल टाइप चूज़ करना है। यहाँ पे आप सारी चीज़ों का बैकअप बना सकते हो, मतलब कॉल हिस्ट्री, बुकमार्क, मैसेज, वॉइस मेल, कैलेंडर, सारी चीज़ों का जो है आप बैकअप बना सकते हो। आप किसी को सेलेक्ट डिसलेक्ट करना हो तो कर सकते हो। यहाँ से आप जो है लोकेशन चूज़ कर सकते हो कि कहाँ पे आपको सेव करना है और उसके बाद सिंपली बैकअप। यहाँ पे जो है आपका बैकअप होना स्टार्ट हो गया। आप इमरजेंसी केस में या फिर बाद में जो है आप इसे रीस्टोर कर सकते हो। लेकिन हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं आईट्यून आईक्लाउड बैकअप को रीस्टोर करने की। तो चलिए चलते हैं हम लोग रीस्टोर में। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास रीस्टोर का है। रीस्टोर में सबसे पहले हम लोग हैं यहाँ पे रीस्टोर फ्रॉम बैकअप फाइल्स। हमने जो है ऑलरेडी 3 बैकअप यहाँ पे बनाया हुआ है अपने कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से, तो वो बैकअप जो है यहाँ पे हमारे पास शो कर रहा है। हम किसी को भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, हम चाहें तो व्यू कर सकते हैं कि कौन से बैकअप में कौन कौन सी फाइल है और कितनी फाइल्स हैं। स्पेशली किसी एक फ़ोटो या फिर दो फोटो या फिर किसी एक तरह की फाइल्स को रीस्टोर करना हो तो हम यहां से कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट यहां पे ऑप्शन है रीस्टोर फ्रॉम iTunes बैकअप। अगर आपने iTunes से बैकअप बनाया हुआ है तो वो चीज़ भी यहां पे आपको जो है शो करेगी और आप उसे भी व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सा बैकअप है, क्या है, और उसे आप अपने डिवाइस में रीस्टोर कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो है रीस्टोर फ्रॉम iCloud बैकअप है। तो यहाँ पे आप जो है सिंपली अपने एप्पल आईडी या फिर iCloud आईडी से जो है लॉगिन करके उस फाइल को रीस्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग iTunes बैकअप। तो हमारे पास यहाँ पे iTunes बैकअप है, हमने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है सारी फाइल्स आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना MB है और कितनी फाइल यहाँ पे हमारे पास है रीस्टोर करने के लिए। तो यहाँ से जो है आप सेलेक्ट डिसलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन सी फाइल को आपको जो है रीस्टोर करना है, कौन सी फाइल को आपको नहीं करना है। तो सिंपली रीस्टोर टू डिवाइस और यहाँ से जो है रीस्टोर का प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ से अपने iTunes बैकअप से जो है अपनी फाइल्स को रीस्टोर कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे फिलहाल हम लोग इसे कैंसिल कर देते हैं और हम लोग बात करते हैं iCloud की। यहाँ पे iCloud में अगर आपका कोई बैकअप है तो उसे भी आप यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। सिंपली जो है आप अपने एप्पल आईडी से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे आपका जो भी बैकअप है वो दिख जाएगा कि कितने GB की फाइल है, कौन सा बैकअप है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने में जो है आपके फाइल साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगता है। तो चलिए वेट कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद जो है आप उससे भी व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है अभी iCloud में हैं। ये हमारा iTunes था और ये हमारा बैकअप फाइल था। तो रीस्टोर फ्रॉम iCloud बैकअप, यहाँ से जो है आप उसे व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारी सारी बैकअप्स हैं, इन सभी को आप जो है अब फाइनली रीस्टोर कर सकते हैं। ओके, तो रीस्टोर अब यहाँ से जो है आपका रीस्टोर होना
शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने iCloud से, iTunes से या फिर अपने कंप्यूटर की बैकअप फाइल से अपने डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये है हमारे कुछ और वीडियोज जिसे आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।